नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष निकवर। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रेडिक्शन के साथ में। साथ ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे तीन स्टॉक्स जो कि लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो भी डिस्कशन करने वाले हैं पूरा का पूरा जो है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं इसमें से कोई भी स्क्रिप्ट को या फिर स्टॉक को या फिर इंडेक्स के किसी भी लेवल पे आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा ट्रेड करने के लिए। इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है अपने एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज करिएगा। और मैं सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, और आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जो है वो जरूर लीजिए। तो आइए यहां पे शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एजुकेशनल वीडियो। वीडियो को यहाँ पे शुरुआत करेंगे जो भी लेवल्स कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे हमारी आज के दिन की इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उसके परफॉर्मेंस के साथ में। शुरुआत करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ में। दोस्तों कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो हमें यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल सकता है। एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला था। मैंने अपने प्री मार्केट के वॉल्यूम एनालिसिस में बोला था कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, लेकिन आज कोई स्ट्रॉन्ग प्री मार्केट वॉल्यूम एनालिसिस नहीं है, इसमें वॉल्यूम है नहीं है। तो मेरे हिसाब से नेगेटिव टू साइडवेज मार्केट जो है वो रहेगा। एग्जैक्टली उसी हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे तीन ट्रेड जो है वो देखने को मिल रहे थे पी साइड में, और रेस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को कंप्लीट साइडवेज मार्केट आज के दिन में दिखा था, जो कि मैंने ऑलरेडी प्री मार्केट का वॉल्यूम एनालिसिस में शेयर कर दिया था मार्केट ओपन होने से पहले। यहाँ पे अब अगर लेवल के बारे में बात करेंगे तो 52,115 के हमारे लेवल को मॉर्निंग में इसने ब्रेकआउट दिया था, जैसे हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। कैंडल क्लोज भी देखने को मिली थी, लेकिन अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया था। सो यहाँ से एक रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिला था, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें देखने को मिला था। ये डे हाई था, और जब रिवर्स हो रहा था तब मैंने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट आएगा ऊपर के साइड में, और फिर एक गिरावट हम लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली सेम पैटर्न बना था, और पीई साइड में 80-90 पॉइंट्स का आज के दिन में मूव देखने को मिला था, जो कि काफ़ी अच्छा मूव था। एंड देन उसके बाद में कंप्लीट साइडवेज बैंक निफ्टी थी, जो कि प्री मार्केट वॉल्यूम एनालिसिस में मार्केट ओपनिंग से पहले ही मैंने बता दिया था। अगर से यहाँ निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन का काफ़ी अच्छा हमें सपोर्ट देखने को मिला था, डबल बॉटम का फॉर्मेशन भी था, और यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला था। और फिर उसके बाद में पूरा दिन भर के लिए 25,400 से लेकर के 25,437 का जो लेवल था इसके बीच में कंप्लीट साइडवेज क्लोजिंग आज हमें निफ्टी में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल दोस्तों इन लेवल्स के साथ में हमारी जो एक्यूरेसी है वो बरकरार है, मेरी कोशिश रहेगी इसे ऐसे ही मेंटेन रखने की। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक देकर के रखा हुआ है, जहाँ पर आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एलाइज ब्लू का अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है वो दिया हुआ है। लिंक थ्रू अकाउंट ओपन करके आप लोग मेरे प्लैटिनम ग्रुप को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं, जहां पे मैं अपने लाइव मार्केट के जो सेटअप्स है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करते रहता हूँ। तो उसका लाभ आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में उठा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अकाउंट ओपनिंग का लिंक जो है वो दे करके रखा हुआ। इसके बाद में वीडियो में आगे जाकर के हम लोग डिस्कस करते हैं कल के दिन के लिए मेरे स्टॉक्स के बारे में, लेकिन वो सीधा टिप्स में आ रहा था इसलिए मैंने अपने उस सीरीज़ को कुछ दिनों के लिए पॉज करके रखा हुआ है। अगर आप लोग स्टॉक ऑप्शन पे भी ट्रेड करते हैं तो मैंने अपनी स्टॉक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बहुत डिटेल में यूट्यूब पर डिस्कस की है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर के रखा हुआ है। अगर आप लोग स्टॉक ऑप्शन पे भी ट्रेड करते हैं तो उस वीडियो को जाकर के ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो वो साबित हो सकता है। वीडियो में आगे जाकर के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स के बारे में, एक बार इसका प्रेडिक्शन चेक कर लेते हैं। दोस्तों अगर से यहाँ पे प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे तो कंप्लीट साइडवेज हम लोगों को पिछले कुछ दिनों से मार्केट दिख रहा है, और मैं लास्ट वीक से ही आप लोगों के साथ में लगातार डिस्कस करते जा रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ से गिरावट आने के चांसेस हैं। अपने इस व्यू को जो है मैं यहाँ पर कायम रखूँगा। एंड ऑफ द डे अच्छा वॉल्यूम इससे सपोर्ट करने के लिए हुआ है, कल मेरे हिसाब से एक अच्छा मूव हम लोगों को मार्केट में देखने को मिल सकता है। ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कल के दिन में, इसे ब्रेकडाउन जाना जरूरी है जो कि आ सकता है। इनकेस अगर नहीं आता है, अपसाइड में ब्रेकआउट आ जाता है तो हम लोग उस लेवल्स को भी डिस्कस करेंगे।
25,400 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जिसके नीचे निफ्ट वीक हो सकती है। 25,370, 25,336, 25,291 और 25,230 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 25,430 के नीचे निफ्टी वीक ऊपर निफ्टी जो है वो बुलिश हो सकती है। 25,456, 25,500, 25,541 और 25,614 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स और इंडेक्स के जो भी लेवल्स हम लोगों ने एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कशन किया हुआ है, इसको अगर आप लोगों को लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग के लिए टेस्ट करना है तो सबसे बेहतर टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग के लिए, वो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया है कि इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी मुझे बुलिश लग रही है, अब ऑब्वियसली चीज है ये मेरा पर्सनल व्यू है, इस पे ट्रेड करना मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग पेपर ट्रेडिंग के लिए इसे यूज कर रहे हैं तो 5 मिनट की जो हम लोगों की यहाँ पे कैंडल है वो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग जो है वो देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी तब हम लोग उसे कंसिडर जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सपोर्ट का लेवल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सपोर्ट जो है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस के तौर पर भी काम करता है। वहां पर भी मैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक जो है इसके प्रेफरेंस देता हूं 5 मिनट की कैंडल कैंडल क्लोजिंग के लिए। अब दोस्तों यहां पे कैंडल क्लोजिंग कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है जो कि आप लोग वॉल्यूम देख करके जो है यहां पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस चीज पे भी आप लोगों को ध्यान रखना होता है। जो भी लेवल्स हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं अपसाइड के लेवल्स या फिर डाउनसाइड के लेवल्स, ये आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम जो है वो लाइव मार्केट में करते हैं। साथ में दोस्तों मेरी मैजिकल लेवल्स की जो थियरी है इसके बेसिस पे जो भी स्टॉक्स हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किए हैं इन स्टॉक्स के साथ में जो हमारा लेवल 3 होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, यहां से रिवर्सल्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। साथ में इंडेक्स यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं इन लेवल्स के साथ में लेवल 4 जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्सल का लेवल होता है जिसके ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना जो है वो होता है। बैंक निफ्टी भी पिछले कुछ दिनों से हम लोगों को एक रेंज में ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है, एंड ऑफ द डे काफी अच्छा वॉल्यूम हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सो कल यहाँ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन मिलने की उम्मीद मुझे लग रही है। ऐसा हो जाता है तो एक अच्छा मूव कल के दिन में एक्सपेक्टेड है। 52,170 के नीचे बैंक निफ्टी यहाँ पे वीक हो सकती है। 52,080, 51,996, 51,893 और 51,763 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 52,230 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश हो सकती है। 52,284, 52,338, 52,440 और 52,547 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। सो दोस्तों वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रेडिक्शन के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है जहां पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए जरूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।